ब्रांडिंग देख लो भाई, ये क्या सीन है ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया है। आज हमारे पास है किया की सोनेट, और वो भी टेस्टफुली डिजाइन हुई भी। इसके आगे से अगर साइडों से हर जगह से इसको देखें तो कुछ कुछ एलिमेंट आपको चेंजेस दिखेंगे। इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं मिलवाना चाहता हूँ इसके ऑनर से। हाउ आर यू? कौन सा मॉडल है ये? है HTK+। HTK+ और ये मेरे को पड़ गई थी 1180 ऑन रोड। अच्छा, और 1180 ऑन रोड में क्या लगता है कि गाड़ी वर्थ है पूरी? हाँ, ऑटोमेटिक मिल रही है, टर्बो इंजन मिल रहा है, ऑटोमेटिक मिल रही है 11 के अंदर। हाँ। और गाड़ी का साइज भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी है, लेकिन हाँ एक मिनिएचर, ये एसयूवी टाइप जिसको मान सकते हैं। छोटे मोटे गड्ढों में से तो निकाल रखी होगी अभी तक आराम से, ये स्पीति होके आई हुई है गाड़ी पूरी स्पीति होके आई हुई है। अच्छा, सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, देखो ब्लैक शीशों पे मत जाना, उसके बारे में आएंगे बाद में, पहले देखो इनका इंटीरियर। तो गाड़ी जो बाहर से इन्होंने क्लास बना रखी है, वो अंदर से भी बहुत ही डिसेंट इंटीरियर कर रखा है। जो भी सिल्वर चीज़ें हैं वो सारी सारी ब्लैक कर रखी है ना? सारी ब्लैक है। एसी वेंट्स हो गए, स्टेयरिंग के नीचे का हो गया, गियर नॉब के आसपास का हो गया, मतलब जो सिल्वर था वो ब्लैक है। एंड इधर गेट भी देख सकते हैं, ये पियानो ब्लैक करा दिया। जो चाचा है वही भतीजा है, भतीजा कोई है ही नहीं, ऐसा भी सीन है क्या? तो ये वाला है इनका ड्राइवर्स पोर्शन, तो ये देखो रेड ब्लैक और हल्का सा क्रोमिश का इसके अंदर लुक है भाई। ये जो सारी चीज़ें करा रखी हैं इंटीरियर के अंदर, इसमें एक तो हमें स्टेयरिंग कवर दिख रहा है यहाँ से, और जितनी सिल्वर चीज़ें हैं वो सारी सारी ब्लैक दिख रही हैं, और ये सीट कवर्स हो गए। इसके अलावा और क्या क्या इसके अलावा मैट डले हैं, और जो अंदर से रूफ देखोगे वो भी अपनी ब्लैक है। अच्छा, ये हरियाणा की सारी गाड़ियों में भाई हमें एक ये चीज़ दिखती है, ये चीज़ रखनी जरूरी है क्या? ये है भाई, अपनी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, अपनी सेफ्टी के लिए जरूरी है, क्योंकि रात को भी ट्रैवल वगैरह होता है भाई। कुछ नहीं कह सकते, कहीं भी काम पड़ सकता है। बिल्कुल। अब ये गाड़ी आगे से कुछ डिफरेंट लग रही है भाई, ये क्या क्या हुआ इसमें आगे से? आगे से भाई एक तो ये GTX का बंपर के जो नीचे का पार्ट है पूरा GTX का लगा हुआ है। अच्छा, ये पूरा जितना भी आता है नीचे का। हाँ। दूसरी एक चीज आप देखोगे, ये मेरी क्रोम आई थी तो ये मैंने पूरी ब्लैकआउट कर दी है, तो इस ब्लैक होने की वजह से थोड़ा सा बोल्ड लुक आ रहा है गाड़ी का। बोल्ड लुक आ रहा है, लोग ये क्रोम लगवाते हैं, कुछ लोग गाड़ियों में क्रोम ही लगवा लेते हैं। यहाँ पे जितना क्रोम था उसको सबको डी क्रोम कर दिया गया। बिल्कुल, बस एक चीज बची है ये वाली, इसको भी बहुत जल्द मैं कर दूंगा डी क्रोम। अच्छा, ये डी क्रोम करने का जो प्रोसेस होता है क्या होता है ये? मैंने मतलब डी क्रोम कराया नहीं था, तो अगर आप इसका बेस मॉडल लेते हो तो उसके अंदर ये ना प्लास्टिक का आता है। अच्छा, तो मैंने एक भाई था उसके पास भी सोनेट है, तो उसको चाहिए था क्रोम, तो मैंने उसको एक्सचेंज कर लिया और ब्लैक को प्लास्टिक को फिर पेंट करा दिया। अदली अदली बदली हो जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये आता है भाई, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये पेट्रोल हेड लिख रखा है यहाँ पे इन्होंने अपने शीशों में, और ये जो विंडोज़ हैं ये ब्लैक हैं। विंडोज़ ब्लैक का राज क्या है भाई? गर्मी देख रहे हो, कितनी धूप पड़ रही है। चलो जो भी राज हो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत है। यहाँ पे जो इनके डोर हैंडल्स हैं उसको भी इन्होंने हाइड्रोडिप करा रखा है कार्बन फिनिश के अंदर, और ये मिरर्स भी ये मतलब मैच के साथ कराए हुए हैं। अच्छा, ये भी हाइड्रोडिप हुए हैं। हाइड्रोडिप कराने में मतलब जितने एलिमेंट्स है गाड़ी के अंदर, कितने एलिमेंट्स आए थे गाड़ी में जब ये हाइड्रोडिप कराई थी, मतलब काउंट क्या था उनका? एग्जैक्टली तो याद नहीं, बाकी छोटे छोटे काफी पार्ट थे, क्योंकि चार तो डोर हैंडल हो गए, दो शीशे हो गए, चार एसी वेंट हो गए, 20 होंगे टोटल, 20 होंगे, 15-20 के अप्रोक्स थे। और इसमें कॉस्ट कितनी आ जाती है हाइड्रोडिपिंग में? मतलब कोई बंदा होता है जैसे पर पीस के हिसाब से लेता है, कोई बंदा होता है कि एक नपाई के हिसाब से लेता है, तो अलग अलग रेट है। अच्छा। जो मेरा रेट था वो था भाई मतलब 650 से 700 के बीच पर पीस के हिसाब से। पर पीस, अरे ये तो बड़ा अफोर्डेबल है। हाँ। है ना, क्योंकि कुछ लोग बोलते थे कि कुछ बंदे मैंने देखा भाई मार्केट में 1500 पर पीस भी मांगते हैं, 1000 पर पीस भी मांगते हैं। पीछे से एक तो डी बैच कर दी, मतलब जो इसके सोनेट टर्बो वर्बो जो लिखा हो तो सब निकाल दिया, ऊपर से ये 50% आपकी डार्क है, ऊपर से ये टेल लाइट है ये भी डार्क है, एंड ये जो हाँ स्मोक की हुई, और ये जो स्पॉइलर है ये भी ब्लैक रैप है। अच्छा, ये रिम चेंज किए हुए इसके अंदर? हाँ, ये अलॉय व्हील डाले इसके अंदर, क्योंकि स्टील रिम आए थे मेरे, अलॉयज नहीं आए थे, तो मैंने अलॉय इसके अंदर डलवा रखे हैं। 16-inch अलॉय हैं। तो टायर वही वाले हैं? टायर मेरा सेम है जो कंपनी से आए थे, देख सकते हो 215/60/16। एंड खाली अलॉय डाले हैं, तो उसी से टायर मतलब थोड़े से ना चौड़े हो गए हैं। लाइफ टाइम वारंटी है एक तरह से क्रैक व्रैक होने की, नॉन एक्सीडेंटल। अब एक्सीडेंट करोगे तब तो देखो क्रैक कुछ भी हो जाता है। अलॉय डाल के कभी गाड़ी कुदाइए? बहुत जगह कुदाइए, हर जगह मतलब ऑफ रोडिंग करिए, सारी चीज़ें करिए, कुदा दी गाड़ी पूरी। बिल्कुल, लेकिन ये है कि अगर आप लोकल अलॉयज डलाओगे तो भाई क्रैक होने का खतरा है इनमें, आप देख सकते हो हर जगह से गई है, स्पीति होके आई है, हिमाचल में भी और काफी जगह गई है, इधर गुड़गांव में भी अपना ऑफ रोडिंग पॉइंट है वहाँ पे भी गई है। अच्छा, गुड़गांव के ऑफ रोडिंग पॉइंट चले गए? हाँ, तो मतलब रेत मिट्टी मिट्टी है। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं कुछ। कितने के पड़े थे ये अलॉयज? 40,000 के थे चारों।
अब इस कार को जितना डिसेंट ऊपर से बना रखा है ना, डिसेंट ही बोलूंगा मैं क्योंकि बहुत टेस्टफुली डिजाइन है। छोटे मोटे एलिमेंट्स लगा रखे हैं, जैसे कि देखिए ये छोटे मोटे एलिमेंट्स हैं, यहाँ तक कि जो इनकी वाटर बॉटल भी है वो भी ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन के अंदर ही है। और ये जो रेड है ये थोड़ा सा वैसा वाला रेड है, सोफिस्टिकेशन वाला रेड, मतलब बिल्कुल ब्राइट रेड नहीं है कि आंखों पे आपके चुभे, मतलब डिसेंट रेड है। ये थोड़ी महंगी गाड़ियों का रेड है ये, थोड़ा सा डिसेंट लुक वाला रेड है, वाला रेड है ये। अच्छा इंटीरियर तो इसका नो डाउट यार इस वाले वेरिएंट के अंदर भी बहुत अच्छा है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में माइलेज कितने की मिल जाती होगी? माइलेज भाई गर्मियों में तो अभी 9.5-10 से ऊपर नहीं देती है, बट हाँ सर्दियों में जब एसी नहीं चलता तो 12-13 तक दे देती है। और ये मैं लोकल में बता रहा हूँ। हाईवे पे चेक किए? हाईवे पे तो ये 20+ भी निकाल देती है, आप 60 की स्पीड पे क्रूज करो तो। एसी पे? एसी पे 20+ निकाल देती है गाड़ी से। अच्छा जी, सोचना पड़ेगा। मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज एक दिखा दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ब्रांडिंग देख लो भाई, ये क्या सीन है ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया है ये भाई पूरी गाड़ी में सबसे डिफरेंट चीज है और सबसे बेस्ट चीज है, सबसे डिफरेंट और सबसे बेस्ट चीज है ये। जिसने भी बनाई है ये बना हुआ आता है या फिर ये बनाई गई है? ये मैंने कस्टमाइज बनवाया था एक्चुअली। ये है कुछ नहीं, देखने से ऐसा लग रहा है ये इंटीग्रेट है, बट ये पहले ब्लैक टेप लगाई गई थी, उसके ऊपर फिर ये क्रोम टेप लगाई गई है। बट ये जो कोने वाला इससे मैच हो रहा है, तो ऐसे देखने से लगता है कि इंटीग्रेटेड है। ये एक एम्बलम टाइप्स लग रहा है ये, कि किसी ने बना के लगा रखा है ना। बट आजकल जैसे किया का देखा होगा नया लोगो आ रहा है अपना, बट अगर वो होता उस पे ये चीज नहीं हो पाती। ये सारे दिमाग चल नहीं, ये यूजर है, हम लोग वो हैं जो दिखाते हैं लोगों को, लेकिन ये सारे के सारे दिमाग चल रहे हैं कि मैं यहाँ पे भी जा। तो भाई ये बहुत अच्छी है। और आगे इन्होंने एक छोटा सा टेम्पल लगा रखा है। इंटीरियर को लेके जैसे ये वाले मॉडल की स्पेसिफिकली बात करें, तो अभी तक जितने फ्रेंड्स और फैमिली जितने भी बैठे हैं, उन्होंने क्या बोला कि ये वाला पोर्शन कैसा लगता है उनको? भाई ये वाला पोर्शन किया का मतलब एक तरह से आप सिग्नेचर कह सकते हो, देखा होगा सेल्टोस में भी पूरा ऐसा आता है, सोनेट में भी पूरा ऐसा, तो मतलब पूरा बढ़िया है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि आप भी हो, गाड़ियों का भी शौक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भरे पड़े हैं, आईटी लाइन के लोग ही भरे पड़े हैं, और मैं ज्यादातर देख रहा हूँ ये डॉक्टर इंजीनियर टाइप सी लोग इस टाइप के शौक कर रहे हैं। अब वो वाले जमाने चले गए कि भाई हमारे तो वो हुआ करते थे, हमारा रेंट आता, हमारा किराया आता। नहीं वो भी आता है, वो भी आता है, मतलब प्लस इनकम है ऐसा कुछ। हाँ मतलब सब कुछ मिला जुला के ठीक है, बढ़िया है। अच्छा एक और चीज़ है इंटरेस्टिंग इस गाड़ी के अंदर, वो क्या है कि इन्होंने ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, इसको रैप किया हुआ है। ये रैप करने से एक इसके अंदर एडवांटेज क्या क्रिएट हो गई है कि लुक जो है ना बहुत शार्प हो गया आगे से, बहुत आगे। और जो फालतू की लाइट इसकी ऊपर जाती थी यहाँ वाले पोर्शन से, तो वो नहीं जाएगी, वो सारा फोकस इसका अब नीचे ही आएगा। और कुछ नई वाली स्विफ्ट के अंदर हमने देखा है लोगों ने ऊपर ये एक पट्टी जो लगा रखी है ना, इसकी वजह से वो लुक बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है इन सब चीज़ों से, बजाय इसको हम ऐसी ओपन छोड़ दें। अब ये तो सारी की सारी बात हो गई इसकी अच्छाइयाँ, अब हमें दो चार बुराइयाँ भी सुननी है, क्योंकि वो लोगों को सुननी है दो चार बुराइयाँ। बुराइयाँ क्या क्या हैं भाई? सबसे बुराई तो इसकी पहले एक चाबी में है, ये मैंने दबा दी, देखो बाहर नहीं आ रही। कितने साल हो गए गाड़ी को? ये भाई 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल में चलो ये तो बाहर नहीं आ रही। स्ट्रिंग ये जो भाई, ये जितने भी मेरे मतलब फ्रेंड सर्कल में जितनी भी किया की गाड़ी है ना, सब में प्रॉब्लम है ये चाबी। अच्छा, और सब में प्रॉब्लम है। एक सेकंड इसकी दिक्कत है भाई, पेट्रोल गाड़ी में ये इनिशियल जो पिकअप होता है कि भाई एकदम से ब्रेक छोड़ते ही भागे, वो नहीं है, 1-2 सेकंड का लैग है। टर्बो लैग होगा ना वो? तो टर्बो लैग पता नहीं ऑटोमेटिक की वजह से, क्योंकि मैंने एक स्विफ्ट ऑटोमेटिक चलाई थी पेट्रोल में, उसमें भी ये था। वो स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि जैसे अगर आप मान लो ब्रेक आपने दबा रखा है, अगर आप ब्रेक दबाए दबाए अगर आप रेस दबा रहे हो, तो वो उठती नहीं है आरपीएम वाली सुई। अच्छा, वो हो सकता है उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया हो कि लोग, पर डीजल में ब्रेक दबा के ऑटोमेटिक में रेस दोगे फुल आरपीएम उठती है। तो ये एक मेरे को डिसएडवांटेज लगा इसका। कुछ लोग स्टार्टिंग में क्लच प्लेटें फूंक देते हैं ऐसा करके। हाँ, क्योंकि टाटा की कार अभी हमने किया था उसका, तो उसके ओनर ने ऐसे किया था, ब्रेक दबा के थ्रॉटल देता रहा तो फूक गई क्लच प्लेटें, टाटा ने उसको फिर समझाया ना इनिशियल के लिए। हाँ, तो वैसा ही करना पड़ेगा, बट वो इसमें नहीं है, बट ठीक है। माइलेज से सेटिस्फाई हैं या नहीं? मतलब हूँ भी और नहीं भी हूँ। अब जैसे गर्मी आ गई तो भाई सिंगल डिजिट में माइलेज देखते हैं, 10 से नीचे तो थोड़ा सा दुख होता है। डबल डिजिट में फिर भी ठीक लगता है, चाहे 11 दे 12 दे। हाँ, पर डबल डिजिट में तो हो एटलीस्ट। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि पीछे ज्यादा कंफर्टेबली नहीं बैठ पा रहा है। कुछ लोगों का नहीं, सभी का ये मानना है, और मेरा भी ये मानना है, पीछे सिर्फ 2 ही बंदे बैठ सकते हैं कंफर्टेबल, 3 आप नहीं बिठा सकते। हाँ, छोटा बच्चा बिठा सकते हो आप, बट हाँ मेरी फैमिली भाई 4 लोगों की फैमिली है, 1 बच्चा है, तो आराम है, अपने लिए सॉर्टेड है। ओके, अगर फैमिली जा रही है, 4 लोग हैं 5 लोग हैं, तो
कितना बूट स्पेस होगा? ओ म्यूजिक सिस्टम भी लगा रखा है आपने, बताया नहीं। सिर्फ बूफर ऐड है, बाकी सब स्टॉक है। ये विद एम्पलीफायर वाला है क्या? नहीं, एम्पलीफायर अलग से लगा रखा है। तो एम्पलीफायर वगैरह बढ़िया है इसका? मतलब मेरी पुरानी गाड़ी से इसमें फिट करा लिया। अच्छा। तो अभी म्यूजिक में मेरे को फिलहाल के लिए कोई अपग्रेड नहीं है, बट हाँ इन फ्यूचर मैं प्लान करूंगा कैसे क्या करना है क्या। बट छोटी मोटी जो धमक चाहिए होती है ना, या फिर एक जो बेस चाहिए होती है, वो इन सब चीजों से मिल जाती है। मैंने तो ये देखा है, बिल्कुल मिल जाती है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो अपना पूरा बूट भरवा लेंगे, लेकिन फिर पता है बाद में क्या होता है, उनको रोना पड़ता है। वो कुछ ज्यादा लाउड होता है, उसको आप परमानेंट भाई नहीं सुन सकते। उसको बस एक बार दिखाने के लिए आप तेज सुन सकते हो, अगर आप जा रहे हो कहीं तो उसको लगातार इतनी तेज नहीं सुन सकता भाई। और दूसरी बात, जब कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो वो फिर निकाल के रखना और फिर दोबारा लगाना, वो थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है। तो इन दो चार कमियों के अलावा इस गाड़ी के अंदर कोई और कमी नहीं लगी ना? नहीं, ये दो चार कमियां ही थी, बाकी तो और कोई कमी मेरे को इस गाड़ी में लगी नहीं, अभी तक सब बढ़िया चल रहा है। तो अगर स्पेसिफिक मॉडल को ये यही वाला खरीदना चाहे? नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलता है, अब नहीं आता ये वाला मॉडल। ऐसे क्यों? क्योंकि जो इनका ऑटोमेटिक था पहले एचटी के प्लस में आता था, अब इन्होंने शिफ्ट कर दिया वो एचटी एक्स में। अच्छा, और अगर कोई यूज्ड इसी मॉडल की ये गाड़ी खरीदना चाहता है तो मतलब क्योंकि सेकंड हैंड बायर्स भी बहुत सारे हैं, तो सेकंड हैंड में ऐसा है कि बंदे के पास अगर 6-6.5 लाख रुपए हैं और उसको ये गाड़ी मिल जाती है? मेरे हिसाब से 6-6.5 में तो ये नहीं मिलेगी, क्योंकि 1.5 साल पहले लॉन्च हुई है एंड 1.5 साल में हाफ कीमत तो होनी चाहिए। बंद हो गया ना मॉडल? हाँ, बंद तो हो गया। तो अगर चलो मान लो 7-7.5-8 के अंदर भी अगर मिल जाती है तो गाड़ी के अंदर कोई टेंशन नहीं है? अगर मिल जा रही है कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, बंदे को ऑटोमेटिक मिल रहा है। अब एचटीएक्स में क्या है, आपकी सनरूफ ऐड है और दो चार चीजें ऐड है जो मैंने बाहर से ऑलरेडी करा ली है, बस तो और क्या चाहिए। टोटल मिला के कितना पैसा लग गया होगा इसमें? लग गया होगा 1.5 के आसपास। सर ये तो छोटी मोटी चीज़ है, 1.5 डेढ़ तो बाइक में भी लग जाता है, ये तो गाड़ी इतनी अच्छी बना रखी है उन्होंने। तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, बहुत अच्छा लगा। कोई इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह चलाते हो तो बता दो। भाई मेरा यूट्यूब चैनल है मनीष शेरावत के नाम से ही, जिन्होंने देखी होगी ये गाड़ी उनको आदो को शायद पता भी हो इस बारे में। तो मनीष शेरावत के चैनल पे जाके देख सकते हैं, कंटेंट अच्छा हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सोनेट से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी, सोनेट से रिलेटेड या इन फ्यूचर में ये जो भी बनाएंगे। हमारा काम था आपको वीडियो बना के दिखाना, आपका काम है लाइक सब्सक्राइब शेयर कर जाना और हमें थोड़ा सा प्यार देना रिवर्ट के अंदर, जिसको बोलते हैं क्या, प्यार, बहुत ही प्यारा वाला। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप रॉकिंग किंग इंडियन। बाय बाय।